Hi kids. Hi sir. How are you? I'm fine, thank you. कितने बच्चों ने स्केल देखा हुआ है स्केल? सर, देखा हुआ है? Yes sir. सबके पास स्केल है? Yes sir. अब देखो आज हम वो जो स्केल है ना, ये जो स्केल है इस स्केल में आपको दिखाएंगे कि इस स्केल में जो ही चीजें लिखी हुई होती है ना, वन से लेके कितने तक लिखी होती है? 15 तक, या 15 तक होती है, 30 वाला भी होता है एक स्केल, ठीक है? तो हम आज मैं तुमको बताऊंगा कि ये एक से लेके 15 तक जो इसमें लिखा होता है वो क्या होता है, ठीक है? उससे पहले देखो हम इसमें देखते हैं इसमें क्या है, क्या बना हुआ है यहाँ पे? छिपकली. छिपकली, ठीक है? लिजर्ड, लिजर्ड बोलते हैं छिपकली को. और ये नीचे क्या बना हुआ है यहाँ पे? तिल्ली, माचिस की तिल्ली. अब देखो यहाँ पर एक उन्होंने ये बना रखा है पूरा स्केल जैसा, यही है जैसे देखो हमारा ये स्केल है वैसे यही है भी. इस स्केल और इसमें क्या अंतर है? इस स्केल में कुछ लिखा हुआ है? हाँ, इसमें नहीं लिखा हुआ. इसमें भी लिख ले, हम लिख लेते हैं, ठीक है? यहाँ सबसे पहले क्या आएगा? जीरो. और लास्ट में 15, ठीक है? अब देखो, ठीक ये ऐसा इसके लिए नीचे भी है, इसमें भी लिख लें. यहाँ पर हम अपने आप मार्क बना लेते हैं 14 और एक लास्ट में 15. ओके, ठीक हो गया. ये क्या है? लूडो. लूडो का डाइस, गिट्टी बोलते हैं या डाइस. ये क्या है? ये वाला, ये जो बना हुआ है इसमें जिसमें हल्का बुरा लिखा है, हल्का कलर है ये, वैक्स कलर. और ये क्या है? पत्ता, ठीक है? अब देखो वो बोल रहे हैं कि द मैच स्टिक इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. मैच स्टिक मतलब माचिस की तीली. अब देखो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वो बोल रहे हैं क्या है ये? 4 सेंटीमीटर लंबी. अब देखो 4 सेंटीमीटर कैसे, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? दो. यहाँ से यहाँ तक एक, दो, तीन और चार, हो गया 4 सेंटीमीटर लंबा. द डाई इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड. अब वो बोल रहे हैं जो ये डाई है, ठीक है, ये बोल रहे हैं ये हर साइड से, जैसे यहाँ से यहाँ तक भी ये वन है, यहाँ से यहाँ तक भी ये वन है, यहाँ से यहाँ तक भी वन है, और यहाँ से यहाँ तक भी वन है. मतलब कहीं से भी तुम नापोगे इस स्केल से भी तो वो कितना आएगा? वन ही आएगा, ठीक है? कभी नाप के देख लेना चाहे. द लिजर्ड इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. अब जो ये लिजर्ड है छिपकली, ये 13 सेंटीमीटर लंबी. अब देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक देखो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक हो गया. द लीफ इज 10 सेंटीमीटर. अब ये बताओ जो ये पत्ती है कितनी सेंटीमीटर लंबी है, बताओ, देख के बताओ. 1, 2, 3, 4. कितना? 4. द वैक्स कलर इज, अब ये वैक्स कलर बताओ कितना लंबा है ये वैक्स कलर? 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. देखो जीरो से थोड़ी शुरू हो रहा है, अगर जीरो से शुरू होता तो ये 8 होता, लेकिन ये आगे से शुरू है, इसका मतलब कम होगा ये, ठीक है? कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर लॉन्ग. Now look at a scale that you find in a geometry box. How many centimeters does it have? अब वो बोल रहे हैं कि आपके पास जो geometry box में जो ये scale है, कितने centimeter लंबा होता है ये? ये 15. लिखा तो है, देखो जीरो से लिखा है यहाँ पे, जीरो से लेके और 15 तक लास्ट, तो कितना सेंटीमीटर लंबा है वो? 15 सेंटीमीटर cm. ठीक हो गया. अब देखो इधर आ जाओ. द स्मॉल स्केल दैट यू मोस्टली यूज इन स्कूल्स इज लाइक दिस वन. अब देखो वो जो बोल रहे हैं स्केल जो आप स्कूल में यूज करते हैं, देखो एक बिल्कुल सेम उन्होंने ऐसे ही बना रखा है यहाँ पे भी, ये ठीक है, जैसे हमारे पास है, ठीक है, सेम है हमारे पास, ये हाथ में है और उन्होंने कहाँ बना रखा है? ये बुक में. इज इट इजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम जीरो मार्क? लुक एट द थिंग्स ड्रॉन नियर द स्केल एंड फाइंड आउट देयर लेंथ. अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर देखो सबसे पहले छोटे सी स्क्रू बना हुआ है, ये कील कितने सेंटीमीटर लंबी है? ये कील, ये एक, एक ये वाला, दो ये वाला, तीन और ये वाला, चार, ठीक है, क्लियर है. व्हाट आर द लिटिल लाइंस ऑन द स्केल यूज्ड फॉर? अब देखो इसमें दो टाइप के चीजें हैं. एक तो देखो ये वाली बड़ी वाली लाइनें हैं यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, इनको तो बोलते हैं क्या? सेंटीमीटर. अब देखो एक और छोटी छोटी ये लाइनें हैं यहाँ बीच बीच में, जीरो से लेकर एक के बीच में कितनी लाइनें हैं ये जरा गिनना, जरा जीरो से लेके मतलब इन दोनों के बीच में गिन लो, चलो तीन और चार के बीच में देखो कितनी लाइनें और हैं. यहाँ पर देखो ये कितनी लाइनें और हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और मतलब हर एक सेंटीमीटर के बीच में 10 जो नई लाइनें हैं उनको बोलते हैं मिली मीटर. क्या बोलते हैं? मिली मीटर. मिली मीटर मीटर ऐसे लिखते हैं उसे इंग्लिश में, और हम
जैसे उन्होंने सेंटीमीटर को सीएम लिखा है ना, तो मिलीमीटर को हम क्या लिख लेते हैं, एमएम। ठीक है, तो छोटी वाली जो स्केलें, स्केल में जो लाइनें हैं उनको बोलते हैं मिलीमीटर, और जो बड़ी वाली जो लाइनें हैं उनको बोलते हैं सेंटीमीटर। एक देखो आप, एक इधर की तरफ भी कुछ लाइनें हैं, ये बड़ी है और बड़ी है इधर की तरफ से, इनको बोलते हैं इंच। क्या बोलते हैं? इंच। जब हम तुम्हारी लेंथ नापते हैं ना, उस समय भी इंच में नापते हैं, जो हमारे पास स्केल है वो सामने। ठीक है, तो एक हो गया सेंटीमीटर, उससे छोटी हो गई मिलीमीटर, और ये वाली हो गए क्या, अभी बताया मैंने, इंच। इंच क्या हो गया? एक हो गया सेंटीमीटर, दूसरा हो गया मिलीमीटर, और इंच। ठीक हो गया। लुक फॉर द थिंग्स, अब देखो वो बोल रहे हैं लुक फॉर थिंग्स दैट आर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब वो बोल रहे हैं कि तुम कोई ऐसी चीज बताओ जो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी हो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी लंबी हो। क्या हो सकती है ऐसी कोई चीज? इतना लंबा होता है कॉकरोच? और बताओ क्या हो सकता है? छिपकली हो सकती है ऐसी इतनी लंबी, और क्या हो सकता है? पेंसिल हो सकती है, पेन हो सकती है, वेरी गुड। और डंडी हो सकती है कोई। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि कोई ऐसी चीज बताओ जो 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है, मतलब इस यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक इतनी लंबी भी हो सकती है, और यहाँ से लेके 20 तक भी हो सकती है। 20 का मतलब होता है कि 10 तो यहाँ तक है, 10 और, ऐसी कौन सी चीज होगी इतनी लंबी? इतनी लंबी एक लकड़ी हो सकती है। लकड़ी हो सकती है, वेरी गुड। एक रिबन, रिबन हो सकता है, वेरी गुड। एक बड़ा वाला पेन हो सकता है, रस्सी हो सकती है यहाँ, और तार हो सकता है, पेंसिल हो सकती है। ठीक है, अब देखो वो बोल रहे हैं आपको, तुमको एक ऐसी चीज बतानी है जो कि 1 सेंटीमीटर से छोटी हो सकती है, मतलब इससे भी छोटी, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, इससे भी छोटी कौन सी चीज होगी? एक डंडी। डंडी हो सकती है, पत्थर, पत्थर, वेरी गुड, पत्थर, और नोक, हाँ, इस पेंसिल की नोक देखो कितनी कितनी, 1 सेंटीमीटर भी छोटी है ये, है ना? और एक बाल का, बाल का टुकड़ा, वेरी गुड। और सर किसी का पूछ, किसी का पूछ छोटा सा टुकड़ा हो सकता है, और तागा, किसी का वो नाखून, जी नाखून, वेरी गुड। और सोचो, पंच, पंच की जो पिन होती है, हाँ, स्टेपलर की पिन होती है, दांत हो सकती है, चौक हो सकती है। ठीक है, तो ये आपने सारे जितने भी आपको आते हैं सबने सोच के आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, कर लोगे? यस।